हैरान हूँ, दिल को रूंगे, पीटू मैं जिगर को। शायद ज्यादा जो खतरनाक बात है वो यहाँ पर ये है, पाकिस्तान जो है एक जमहूरी मुल्क, एक आजाद मुल्क, आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में ये भिखारी के नाम से कैसे मशहूर हो गया। कहते हैं ना, हुए ना बदनाम तो क्या नाम ना होगा। पाकिस्तानी ऑफिशियली भिखारी बन चुके हैं। सुनते जाइए, पाकिस्तान के हाथ में भीख का कटोरा कैसे आया। तो भिखारी वो तो आपको बेहतर जानते हैं, आपने मैं मांगने जाती थी जो मुझे पता है। जरा से भी कह रहे थे ना बेशर्मो, तो चुल्लू भर पानी लो और उसमें डुबकी मार के डूब मरो। कहाँ से आते हैं ये लोग यार, कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मुल्क की जगह साई हो रही है। इस्लामिक पावर का हमने जेब में लेके घूमना है, अगर हमने उसको इस्तेमाल नहीं करना। ये शबराज इंडिया को दे दे, वो दिवाली पे चला ले, फिर हमसे तो बेहतर ये है ना कि इंडिया चला ले दिवाली पे। ये जो पाकिस्तान के बम 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 की बातें करते हैं ना, आज तो पाकिस्तान का हालात ये है कि बम को संभालना कहाँ, वो भी उसके बस का रोग नहीं है, अब तो वो बम बेचने के लिए निकले हैं। देखें वो जैसे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं अभी जो करंट हैं, ठीक है, तो उन्होंने एक कोटेशन की थी कि, तो वो कहते हैं बैगर्स कांट बी चूज़र्स। तो आपने ऐसे पूत को क्यों पाल रखा है। इनको कुछ नहीं पता होता, इनको सिर्फ एक ही चीज पता होती है, बेहतर हुरे जल्द से जल्द कैसे मिलेंगी। तो इसमें कोई मतलब कोई गलत बात नहीं है कि हम भिखारी हैं, भिखारी कभी भी अपना इंतखाब जो है ना नहीं कर सकते। लानत है पाकिस्तानियों तुम पे, लानत है। दुश्मन तो खुशियां मना रहे हैं, शादियां ने बजा रहे कि देखो भाई हमें जरूरत ही नहीं है झूठे प्रोपेगेंडे की, क्योंकि ये काम अब ये लोग खुद करने लगे हैं। अरे चुप हो जा, मैंने कभी नहीं एटम बम देखा, आपने देखा। वो देखा मैंने 23 मार्च को गाजी शाहबुद्दीन, वो सारे एटम बम ही हमने। पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है। कई ऐसे जगहें हैं पाकिस्तान से कि जिधर से अब लोगों को वीजा नहीं दिया जा रहा, वजह क्या है कि उधर से भिखारी काफी जाते हैं। हम पाकिस्तान में भीख नहीं मांगेंगे, बड़ा वाला तो बिल्कुल ही अड़ गया है, कहने लगा कि हम तो अमेरिका जाके भीख मांगेंगे। वाह भाई वाह, और ये सोशल मीडिया पे बकवास करने वाले ये तो शतुंगड़े हैं, शतुंगड़े। ये मुल्क के मामला के बारे में ये बेगैरत बेशरम कुछ भी सोचे समझे बगैर हुकूमत इदारों के बारे में कुछ भी बकवास करते रहते हैं। तू क्यों रो रहा है, तेरी माँ मर गई है। यूएई की तरफ से, दुबई की तरफ से पाकिस्तानियों के वीजा को बैन किया गया। आहा आहा आहा, क्या बात है क्या बात है। बरतानिया की पुलिस ने बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में पाकिस्तानियों को हिरासत में लेनिया शुरू कर दिया है और उनको डिटेंशन सेंटर मुंतकिल किया। हमारे पीएम मोदी जी ने जो पाकिस्तान की भाई साहब खिंचाई की, पाकिस्तान है ना धुआं धुआं हो गया, जल उठा, उनका खुद का एटम बम उनके पिछवाड़े में फूट गया। तो चलिए पाकिस्तानियों के मजे लेते हैं, आनंद उठाते हैं इनकी जलन का, आहा मजा आएगा। चलो भाई, चाइना भी हमारा पड़ोसी है, वो तो ऑलरेडी सुपर पावर है। बिल्कुल। दूसरा पड़ोसी हमारा इंडिया आ गया, वो सुपर पावर बनने जा रहे हैं, उनके यहाँ इलेक्शंस भी। आज उन्होंने इतनी बड़ी रैली से उनके प्राइम मिनिस्टर ने हमारी एग्जांपल दी, बैड एग्जांपल, कहा कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है 70 साल हाथ में ना बम का गोला लेके फिरता था, आज पूरी दुनिया में भीख का कटोरा लेके फिर। जरा सुनिए, जिसके हाथ में बम का गोला रहता था, आज उसके हाथ में भीख का कटोरा है। दुनिया के आगे बैड एग्जांपल के तौर पर पेश हो रहे हैं। देखिए बैड एग्जांपल के तौर पे जो मेन वजह है ना, वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अगर कोई भी आपका हुक्मरान आता है ना, तो वो 4 या 5 साल के टेन्योर के लिए आता है, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें, किसी भी डेमोक्रेटिक जो है हुकूमत को या किसी भी हुक्मरान को 5 साल के लिए टिका ही नहीं रहने दे। अगर कोई बंदा आता है ना, उसको 1-2 साल में जाके सिस्टम की समझ आना शुरू होती है, तो उसके बाद जब उसको उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। आपके पास जो मौजूदा एग्जाम्पल है थोड़े साल पहले की, या आपकी पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें, सारी इस तरह की एग्जाम्पल है बड़ी। उसकी बाकी बात कर लें नरेंद्र मोदी की, तो उसने बिल्कुल हकीकत बयान किया कि हम कहते हैं कि हमारे हम एटमी पावर हैं, हमारी आवाम को सो कॉल्ड सा एक नारा और जज्बा दे दिया जाता है जी। इनके पास एक ही चीज है और वो है कटोरा। पाकिस्तान दुनिया में ऐसी कोई पावर नहीं जो पाकिस्तान को तबाह कर दे। ये एक वो जिसे कहते हैं ना एक मिथ बनी हुई है, लेकिन अगर देखा जाए ना कि हम थोड़ी सी ऐसे गर्दन उठाए ना, तो हमारा हमसाया ऐसे उड़ा के हमें रख देगा, लेकिन हम सिर्फ ये है कि हम सिर्फ अपना गुजारा करें, हम टाइम पास करें। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार, कमेंट्स में आते यार पहले अपना आटा तो पूरा कर लो, बातें बाद में। बिल्कुल वो सही कहते हैं, वो सही कहते हैं, लेकिन हमें ये बातें वक्ती तौर पे बुरी लगती हैं, लेकिन वो हमारे मुंह पे जैसे कहते हैं तमाचा दे के मारते हैं, तो वो तमाचा हमें जिस दिन फेस करना या उसका हमें रिएक्शन देना आ गया ना, तो रिएक्शन वो नेगेटिव।
नेगेटिव वे नहीं में नहीं, लेकिन हम किसी तरीके से तरक्की कर दे। वो जिसे कहते हैं कि वो हमें जूते मार रहे हैं, हमें गैरत दिला रहे हैं कि गैरत खाओ, कुछ शर्म करो। हाइप सी बनी हुई है कि हम एटॉमिक पावर है, हमें कुछ नहीं कर सकते। वो एटम का भी हमने क्या करना है? बतर में आपने क्या काला करतूत किया वो ठीक है, कारगिल में आपने क्या किया वो एटॉमिक पावर का हमने जेब में लेके घूमना है, अगर हमने उसको इस्तेमाल नहीं करना। या शबराज इंडिया को दे दे वो दिवाली पे चला ले फिर, हमसे तो बेहतर यही है ना कि इंडिया चला ले दिवाली पे, हम तो इसका इस्तेमाल हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है। तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं इस लिहाज से। डॉक्टर साहब बताएं, एटम बम से हमारे हाथ में भीखा कटोरा कैसे आए, ये एकदम से वो क्या कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो? हमारे में जरूरत नहीं है एटम बम चलाने की, ठीक है ना, इस वजह से इतने खूनी डॉक्टर सीधा एटम बम चलाने की दुनिया को बातें बता रहे हैं। बिल्कुल वही बात है कि आजकल जो मैं आजकल न्यूज देख के आया हूँ। क्या देख के आया जो इतना एटम बम को चलाने? हमारे जो भाई है MBBS वाले भाई हैं, बहने हैं, उनके साथ जो हो रहा है वहाँ, वो सुन के भी हमारी यहाँ हुकूमत को किसी को भी कोई जरूरत नहीं पैदा हुई कि उनकी जाके मदद करें। ये शहबाज शरीफ ने कहा है भाई बच्चों को रेस्क्यू करो, लेकिन वो रेस्क्यू ऐसे तो नहीं होते ना, वो जो कुछ उनके साथ हो गया है तो अब रेस्क्यू करने का फायदा क्या है इस वजह से? अच्छा बहुत बुरा हुआ ना, बहुत बुरा हुआ है। कहीं पे भी जाए पाकिस्तानियों का पिटना तो लाजम है। नहीं करो, नहीं वैसे वो तो बहुत है क्योंकि माँ बाप ने इतना उन पे पैसा लगाया हुआ है, जो कुछ हुआ है वहाँ इंडिया के भी बच्चे हैं, बांग्लादेश के भी हैं, तीनों की जानों को खतरा है। वैसे मैं थोड़ा इंडिया ने बहुत अच्छा स्टांस लिया है, बांग्लादेश ने अच्छा स्टांस। क्या स्टांस लिया? मैंने न्यूज सुनी है कि इंडिया ने भी अपने एम्बेसीज वगैरह को कहा है कि एम्बेसीज ओपन करो, बच्चों को सपोर्ट दो, बच्चों को मुहैया अच्छी महफूज जगह मुहैया किया। कह रहे हम जहाज भी उन्होंने भेजने का कहा है, लेकिन हमारे ना उनको महफूज जगह मुहैया की जा रही, अगर वो हॉस्टल रहते हैं या कहीं भी रहते हैं किसी फ्लैट में, वहाँ के जो भी रशियन है वहाँ, तो वो उन्हें कह रहे हैं कि अपनी जगह खाली करो और रोड पे रहो जहाँ मर्जी रहो। अगर हम चाइना की बात कर ले, अगर हम इंडिया की बात कर ले, जैसे आज उनके भी प्राइम मिनिस्टर ने यही बात की कि जो हम बड़ा हमारा मुल्क धक्कड़ मुल्क है, मतलब पावरफुल मुल्क है, हम पे कोई अटैक नहीं कर सकता। पड़ोसियों की देख ले, 70 साल तक हाथ में बम का गोला था, आज इनके हाथ में कटोरा है। तो वो बार बार अपनी इलेक्शन कंपेन में हमें डिस्कस करते हैं और अपनी सारी आवाम को बताते हैं भाई इनका दिवालिया निकल गया, लेकिन वही बात है ना कि वो जो मौजूदा सूरत हाल को देखते हैं तो उन्हें यही लगता है। लेकिन पाकिस्तान का नाम क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो इस वजह से हमें अल्लाह ताला की देन है। तो भाई साहब अभी तो ये बंदा बोल रहा था कि हमारी औकात नहीं है और अभी आ गया, आहा क्या पढ़ के बने हैं, क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। क्या ही कहूँ यार मैं इसकी जहालत को, सारे पाकिस्तानी जाहिल है चाहे कितने भी समझदार हो, एंड में वो जहालत पर ना आए ये कैसे हो सकता है यार, असंभव। और हम पे कोई दुश्मन हमला करने का सोचता, सारा कुछ अल्लाह ताला पे डालना है, हमने खुद कुछ नहीं करना। नहीं हमें अच्छा हुक्मरान भी मिला था, हाँ। लेकिन हमने उस हुक्मरान को जेल में बंद करा दिया। तो ये भीखा कटोरा कैसे आया हमारे लोग? बैगर्स 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 कान भी चूजर्स, अगर हमारे हुक्मरान ये कहने लग जाएंगे तो हमने भीख ही मांगनी है। सब ऐसे डॉक्टरों का क्या हाल है? कोई स्कोप हमें दिखता तो नहीं है पाकिस्तान? कोई स्कोप नहीं है पाकिस्तान में, ये पहले भी नहीं था, अब तो बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर क्यों बनते हो? बस घर वालों की होती है प्रेशर होता है, मुआशरे का प्रेशर होता है, कहते हैं एक अच्छा नाम मिल जाता है, एक अच्छा रुतबा मिल जाता है, सारे वादे किए जाते हैं, लेकिन वो सारे झूठे वादे किए जाते हैं हमसे, आगे जाके कुछ नहीं होता। एटम बम पटाखा है जो चलाते हैं? नहीं एटम बम यही है कि एटम बम से हम किसी दुश्मन को, एटम बम की वजह से दुनिया हमारा मजाक उड़ाती है? नहीं नहीं दुनिया मजाक भी उड़ाती है, लेकिन हमने बड़ी मुश्किल से एटम बम हासिल किया है, उस वजह से हमारे हासिल नहीं किया बनाया उसके पुर्जे हासिल किए ना, फिर ही बना जाके वो। हाँ एटम बम में पुर्जे लगते हैं, तो उसके जो भी उसके यूरेनियम जो भी कुछ आते हैं वो हमने बड़ी मुश्किल से हासिल किए हैं। मैंने कभी नहीं एटम बम देखा, आपने देखा? मैंने देखा नहीं, मुझे उसके इंग्रेडिएंट्स का पता क्या क्या डलता है मैंने देखा हुआ नहीं, वो देखा है मैंने 23 मार्च को गाजी शाहबुद्दीन वो सारे एटम बम ही हमने देखती है 23 मार्च को परेड होती है तो उसमें सारे दिखाते हैं हमें अब्दाली गजनवी बड़े बड़े टैंक पता नहीं वक्त आने पे चले ना चले। अब एटम बम की बात करते हैं, एटम बम की वो क्या होता है? ये देखे हमारी अवाम, इन्हें एटम बम का नहीं पता, इन्होंने क्या हुक्मरानों को सही करना है? नहीं पता है, कल जब देखी नहीं एक चीज तो पता। अच्छा क्या पता है वो बता दो। देखोगे फिर आप जिंदा नहीं बचोगे। क्या पता है वो? अल्लाह पाक ऐसी नौबत पे ले लेकिन आया जो देखना पड़े। कोई टैलेंट है? टैलेंट क्या होता है? पाकिस्तान के हाथ में भीखा कटोरा कैसे आया? वो तो आपको बेहतर जानते हैं, आपने मैं मांगने जाती थी जो मुझे पता है। तो देखा है पाकिस्तानी पब्लिक का रिव्यू, इनको ये नहीं पता कि एटम बम होता क्या है और ये चलाएंगे एटम बम, धमकियां दिखा करो इनकी बड़ी बड़ी, इनको कुछ नहीं पता होता, इनको सिर्फ एक ही चीज पता होती है बेहतर हुरे जल्द से जल्द कैसे मिलेंगी। तो आज का वीडियो बस इतना ही, आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना, आप अपना ख्याल रखना, जय हिंद वंदे मातरम भारत माता की जय।